उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में पांचवें चरण में विधानसभा चुनाव होना है। इस जिले में 3 विधानसभा हैं, जिसमें सिराथू विधानसभा सीट सबसे दिलचस्प बनी हुई है। इसी सीट से भाजपा के उम्मीदवार एवं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ रहे हैं। सिराथू से ही बहुजन समाज पार्टी ने मुसब उस्मानी को अपना उम्मीदवार बनाया है। मुसब अली उस्मानी को फोन पर किसी ने जान से मारने की धमकी दी है। मुसब अली जब अपना प्रचार प्रसार कर रहे थे, तभी फोन पर अनजान नंबर से इनको जान से मारने की धमकी दी गई। बसपा उम्मीदवार ने सैनी थाने में मामले की तहरीर दी है। बसपा नेता मुसब अली उस्मानी ने बताया कि हमें जान से मारने की धमकी फोन पर दी जा रही है, इसके पीछे विपक्षी का हाथ हो सकता है। उस्मानी ने बताया कि मेरी लोकप्रियता देखकर विपक्षी घबरा गए हैं। कल मैं बिसारा क्षेत्र घूम रहा था, तो जैसे ही बिसारा से निकला बाहर, मुझे एक कॉल आई। इसमें मुझे पहले मेरा नाम पूछा गया, लोकेशन पूछी गई, उसके बाद गाली गलौज करते हुए मुझे ये कहा गया कि आप इस क्षेत्र में दोबारा दिखाई नहीं दीजिएगा, नहीं तो जान से मार देंगे। किस विधानसभा से आप चुनाव लड़ रहे हैं, किस पार्टी से? 251 विधानसभा से, बहुजन समाज पार्टी। कहाँ शिकायत की है? शिकायत हमने ये शिकायत उसी वक्त कप्तान साहब को ही बताया। कप्तान साहब के आदेशानुसार सैनी थाने में एप्लीकेशन भी दी। क्या लगता है कौन लोग हो सकते हैं इसके पीछे? बस भी अच्छे लोग हो सकते हैं, और कौन हो सकता है? अच्छे लोग ही हो सकते हैं। किया गया है? मुझे तो ये लगता है मेरा मनोबल तोड़ने के लिए शायद ऐसा किया गया हो, किसे डर जाएगा। तो मैं तो डरने वालों में से नहीं हूँ, मेरे साथ बहुजन समाज पार्टी के कारवां हैं। ऐसी धमकियाँ तो किन लोगों को आपको फायदा हो सकता है आपके चुनाव लड़ने से, किन लोगों को नुकसान हो रहा है? विपक्षियों का ही विपक्षी जो है वो यही चाहते हैं अगर मैं क्षेत्र में न जाऊँ तो उनका फायदा हो सकता है।